हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द मायास हिंदी। आज की वीडियो में गाइस मैं आपको अरोमा मैजिक ब्रांड के विटामिन सी डे क्रीम के बारे में रिव्यू दूंगी। इसके बारे में बताऊंगी कि ये क्रीम आपकी स्किन को, आपकी त्वचा को किस तरीके से फायदा देती है। डिटेल में गाइस आज अपन इसका रिव्यू करेंगे, बेनिफिट, साइड इफेक्ट, यूजेस, प्राइस, इन सब के बारे में। तो गाइस यदि आप अपनी त्वचा को हेल्थी, स्वस्थ बनाए रखना चाहते हैं, खूबसूरत ग्लोइंग बनाना चाहते हैं, सॉफ्ट बनाना चाहते हैं, लचीली त्वचा पाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा अमेजिंग और इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो पूरी वीडियो को देखना ना भूलें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें, जिससे जो भी हम वीडियो डालते हैं उनका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के अपन बात कर लेते हैं अरोमा मैजिक ब्रांड के विटामिन सी डे क्रीम के बारे में। ये क्रीम गाइस दिन के समय काम में लाई जाती है और जो कि ऑल स्किन टाइप है, किसी भी स्किन टोन वाले इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। SPF 15 है जो कि नॉन ग्रीसी है, काफी हल्की है, आपकी त्वचा को एकदम हल्का फील कराने में मदद करती है। ये आपकी त्वचा को गई सॉफ्ट, लचीली, अति सुंदर बनाने का काम करेगी। इंग्रीडियंट के बारे में बात करें तो दोस्तों इसमें कोई भी ऐसा हार्मफुल केमिकल नहीं है आपके शरीर को कोई नुकसान पहुंचाए, बल्कि ये आपके शरीर को हेल्थी और स्वस्थ बनाए रखने में मदद करती है। तो देख लेते हैं गाइस कि इसके अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट प्रेजेंट हैं जो कि आपके शरीर को हेल्थी बनाए रखने में मदद करेंगे। तो इसके अंदर गाइस इंग्रेडिएंट के रूप में है जैसे कि विटामिन सी। विटामिन सी गाइस अपने त्वचा के लिए बेस्ट होती है। एप्पल, लेवेंडर, शिया बटर, एवोकाडो, एलोवेरा, ऑरेंज और पोमेग्रेनेट, जो कि गाइस आपकी त्वचा को रोज की तरह एकदम फ्लोइंग बनाने में मदद करेगा। कोई भी हार्मफुल केमिकल या आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट नहीं है, तो आप इजीली तरीके से इसका सेवन इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी बात गाइस लगाने का तरीका, आप नियमित रूप से चेहरा धोकर के डेली सुबह के टाइम इस क्रीम को लगाएं तो आपकी त्वचा, अगर आप नियमित रूप से इस्तेमाल में लेते हैं तो आपकी त्वचा बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिखाई देने लगेगी। लेकिन गाइस आपको नियमित रूप से इसका इस्तेमाल करना होगा, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। और गाइस वैसे तो ये क्रीम आपकी स्किन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी, लेकिन इसे इस्तेमाल में लेने के बाद यदि आपको कोई दिक्कत या परेशानी हो रही है तो उसी टाइम आप इसे इस्तेमाल में लेना बंद कर दें, डॉक्टर से कंसल्ट आप जरूर करें। प्राइस की बात करें तो इसका प्राइस कोई फिक्स नहीं है, टाइम के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे होता रहता है। 50 ग्राम की पैकेजिंग गाइस आपको 262 रुपए में मिलेगी, जिसको आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं, मार्केट से परचेज कर सकते हैं, जैसा भी दोस्तों आपको सही लगे आप इसे वहां से खरीद सकते हैं, वो आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। मैं तो गाइस आपको यही सजेस्ट करूंगी कि जहां भी आपको सस्ता अफोर्डेबल मिले आप इसे वहीं से परचेज करें। वैसे तो गाइस हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इस प्रोडक्ट का लिंक मेंशन कर रखा है, अगर आप चाहें तो उस लिंक पर क्लिक करके भी इस प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। याद रखिएगा, इस कोई भी प्रोडक्ट परचेज करें तो सबसे पहले उसकी मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट आप जरूर चेक कर लें। कुछ लोग गाइस एक्सपायरी डेट देखे बिना ही प्रोडक्ट को परचेज तो कर लेते हैं, फिर उसका इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें साइड इफेक्ट होने लगते हैं। इसका मेन रीजन ये है कि आपने एक एक्सपायरी प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया है तो ऑब्वियसली बात है उसका साइड इफेक्ट तो होना ही होना है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि हाँ, जो भी प्रोडक्ट परचेज करे तो सबसे पहले उसकी मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट तो अपन को चेक करनी ही करनी है। ये क्रीम गाइस अपनी त्वचा के लिए बेस्ट रहेगी, लेकिन ध्यान रखें अगर आपकी स्किन बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है, आपकी स्किन को हर कोई क्रीम या फेस वॉश सूट नहीं करता हो, तो गाइस इस क्रीम को इस्तेमाल में लेने से पहले आपको एक बार डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करना है। डॉक्टर से कंसल्ट के बिना इसका इस्तेमाल नहीं करना, इस चीज का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। सो गाइस आज की वीडियो में बस आपको इतना ही बताना चाहूंगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको हमारे नए नए वीडियो की अपडेट मिलती रहे, नई नई जानकारियां मिलती रहे। और गाइस बेल आइकन पर जरूर प्रेस कीजिए, जिससे जो भी हम वीडियो डालते हैं टाइम टू टाइम आपके पास पहुंचती रहे और इस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग आपका कंफ्यूजन भी दूर होता रहे। फिर भी गाइस यदि आपको इस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग या किसी अदर प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी जाननी चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकती हैं, हम आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहेंगे, आपकी सहायता जरूर करेंगे। सो गाइस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।